अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं आज अचार गोश्त। अब हम आधी प्याली लेंगे दही, इसमें गोश्त मैरिनेट करने के लिए रखेंगे मटन, आप इसमें हम डालेंगे अचार मसाला, जो भी मसाला आप यूज़ करती हैं ना उस गोश्त के लिए, उसमें आपने कलौंजी, राई, इनको पीस के डाल देना है और सौंफ को भी, इसको मैरिनेट करें। अब इसमें 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन, जिंजर गार्लिक, ये कद्दूकस करके मैश मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं, पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, कद्दूकस करके भी ऐड कर सकती हैं। इसको अभी अच्छे से मिक्स करें। आप एक साइड पे हम ये गोश्त डालेंगे मैरिनेट किया हुआ, एक साइड पे हम टमाटर ऐड करेंगे कटे हुए 3 से 4, ठीक है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त गल जाए। अब इसको बंद करेंगे, 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसको खोला है और अब इसका टमाटर जो साइड में डाले थे इसको अच्छे से मैश करेंगे हम। टमाटर साइड पे डालने का मकसद यही था कि ये इजी मैश हो जाते हैं। टमाटर मैश हो गए हैं, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून, आधा कप तकरीबन, और फिर अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसका भी अच्छे से भूनना है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसको भूनेंगे और हरी मिर्चों को हमने पानी में भिगो दिया है। अभी हम सिरका लेंगे या फिर लेमन का रस, ठीक है, जो आपको पसंद हो, आप दोनों में से कुछ भी ले सकती हैं। और ये जो हमने मसाला बचाया था उसमें ये ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चिली को कट लगाएंगे और इसके अंदर ये मिक्सचर भर देंगे इस तरह से, इसी तरह सबको फिल करेंगे। ये देखें ऐसे, दोस्तों अभी हम 2 भी डाल सकते हैं, 1 ही चम्मच काफ़ी होगा। तो डाल लें ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़्यादा बेस्ट है। उसमें इनको फ्राई करें, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि सारी वीडियो आपको मिल जाए। इनको फ्राई करके हम निकालेंगे, ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। इंजॉय करें आप भी और अपनी फैमिली के साथ भी। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।